आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कार्यालय का उद्घाटन। टिहरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह नाम मसूरी में आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर टिहरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह ने कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर टिहरी संसदीय सीट के लिए उन्हें सेवा का अवसर देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में नाराजगी है जिसे दूर कर दिया जाएगा। इस मौके पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है और केंद्र में निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार आएगी जिसका रास्ता टिहरी संसदीय सीट से होकर निकलेगा। बहुत अच्छा, आज हम लोग ने मसूरी का कार्यालय खुले, हम लोग सब मिलकर आदरणीय हमारे मंत्री जी, हम लोग सभी आए यहाँ और बहुत अच्छा, द रिस्पॉन्स हैज बीन गुड और बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि ये समय ऐसा है कि वातावरण मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत गुड रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोग भी अच्छे लगते हैं। मगर इसका मतलब नहीं हम लोग को बहुत डिटेल में हम लोग जाकर काम करना, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हमें आगे भी डीपली जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा मेन चीज़ बूथ होते हैं, बूथ बूथ में जाकर हमारे लोगों को काम करना ज़रूरी है, कर ही रहे हैं। मगर हमें बिल्कुल ही मोर, वी हैव टू गेट इन टू इट मोर एंड हम लोग सब कॉन्फिडेंट है और अच्छे लग रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, नाराज़गी तो लाइफ का होता ही है, इसमें कौन सी नई बात है। आपसे भी आपका फैमिली नाराज़ होते होंगे तो सेम वे, बट काम तो कर ही रहे, नहीं होता तो इस बार भी टिकट क्यों देते। सेंटर वुड नॉट गिव अस गिव मी द टिकट, वो तो चलता ही रहता है, दैट्स लाइफ। यस, आप जानते हैं सबसे पहले तो हमने डोगरा चाची पुल का ओपनिंग किया, बहुत ही सड़कें किए, बहुत ही वी हैव द रेलवे लाइन, हमारा नया रेल्स आए हैं, अब इस साल में हम लोग दिल्ली टू देहरादून रोड्स भी खोल रहे हैं, कितने सड़कें, वो तो है ही है, जो सड़कें के लिए 2000 करोड़ दिए वो तो है ही है, कितने इतने काम हुए, जो सेंटर से काम हुए वो सब हमारे हम ही ने करवाए जैसा सोचे, क्योंकि हम सेंटर के जोशी जी या स्टेट के हैं तो वो स्टेट का काम वो करते हैं, सेंटर का काम हम MPs करते हैं। देखिए, 2013 से मैं आप तक से हम लोग झेल रहे हैं, उससे पहले भी झेल रहे थे, उत्तराखंड इज एरिया ऑफ आफ्ता, उससे आपने देख ही रहे कि हम लोग उनके लिए कितना काम कर रहे हैं, कितना कमिटीज बने हैं, काम कर ही रहे हैं। नेचर से जितना हो सके हम लोग कर रहे हैं, नेचर को तो इतना फाइट नहीं कर सकते हैं, जो हम हमारा सरकार कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। देखिए, पर्यटन में तो इतना प्रोग्रेस हुआ है, आप लोग भी देख रहे हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि इमीडिएटली तो हो नहीं सकता है ना, थोड़ा थोड़ा करके। टूरिज्म इज़ आ मेन थिंग, उत्तराखंड का मेन इनकम ही टूरिज्म है, तो सो इसमें तो होता ही है। और अब तो आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पर उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन कर दिया है, जो लोग बाहर जाकर शादियाँ करते थे अब यहाँ उत्तराखंड में स्पेशली और जगह में भी करें, और सो मच ऑफ प्रोग्रेस इज हैपनिंग, आस्ते आस्ते कर हम उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ गए हैं। पहला गाना तो अच्छा है ना, गाना तो गाना चाहिए, इसमें कौन से देखो, वो तो हर अपोजिशन वाले तो बोलते ही है, बोलने तो इसमें क्या फर्क, दिल्ली में बैठा मैं तो MP हूँ, दिल्ली में ही तो काम करूँगी, मैं MLA नहीं हूँ कि यहाँ काम करूँगी, तो हमारा काम तो वहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमारा काम तो दिल्ली में हुआ। आई थिंक वी शुड ऑल डू वेल एंड वी शुड ऑल गेट थ्रू, बट वी हैव टू नॉट बी वेरी स्मार्ट, वी हैव टू वर्क हार्ड। जिस प्रकार से आज पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है, आज देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उन्होंने चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो,
चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे सीमा पर हमारा जवान हो, चाहे हमारा किसान हो, सबकी चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और उन्हीं के पश्चिम पर चलते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री मुकेश सिंह धामी जी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए, सबसे सख्त नकल कानून बनाया है तो धामी सरकार ने बनाया है, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है तो उत्तराखंड है, धामी सरकार ने उसको लागू किया है। धर्मांतरण कानून अगर लागू किया है तो धामी सरकार ने किया है। धामी सरकार का संकल्प है जिनका चीजों का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मसूरी पहाड़ों की रानी है, रानी को सुंदर होना चाहिए, सवरना चाहिए। अभी अभी 56 करोड़ की लागत से हमने मसूरी के अंदर इको पार्क का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जीरो पॉइंट पर पार्किंग का काम शीघ्र शुरू होने वाला है। हमारी 144 करोड़ की पेयजल योजना जिसमें रानी जी का विशेष सहयोग हो गया बनकर तैयार हो गई है, उसका लोकार्पण हम शीघ्र करने वाले हैं। हमारी टनल का काम जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो रुका हुआ है सांसद बनने के बाद उसका काम हम शुरू कराएंगे। तो मसूरी के विकास में चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो उसका एक विशेष योगदान है। और इस्टर समिट में मोदी जी ने कहा था कि टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, उन्होंने कहा आप विदेशों में शादी करना छोड़ो, आज वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड विकसित हो रहा है, आज लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आज मसूरी की जनता का मुझे लगातार 3 बार आशीर्वाद मिला है, महाराम जी को मिला है आज 4थी बार, और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है कल से हम लगातार कई सभाओं में हैं, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो उसका रास्ता यहाँ से होकर जाता है। और मैंने यहाँ की जनता के भरोसे पर आपको वायदा किया है कि हम पिछली बार से जीत का अंतर दुगुना करेंगे, क्योंकि आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि लोग उनका टिकट देने को तैयार नहीं थे। मुझे तो कांग्रेसियों पर बड़ा गुस्सा भी आता है, तो हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग होता है तो हमारे पिताजी आप आराम करो हम काम करेंगे, ताऊ जी आप आराम करो, मामा जी आप आराम करो, जिस व्यक्ति को मसूरी की जनता ने कहा था कि आप बहुत बुजुर्ग हो गए हो, 2012 में आराम करने के लिए बैठा दिया था, मेरे बड़े भाई जिनका आशीर्वाद मेरे साथ है उनको लाकर खड़ा कर दिया। तो जनता में बहुत गुस्सा है कि हमारे इतने बुजुर्ग आदमी को जो है घर आराम करना था और आपने फिर खड़ा कर दिया, तो जनता उसका भी हिसाब लेगी और महाराणी जो है 42,000 वोट जीतेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।